अभी नेहा राठौर जी जिस बात की चर्चा कर रहे थे शराबबंदी की, शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने किसकी मांग पर लागू किया? नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी महिलाओं की मांग पर लागू किया। और बहुत हल्ला लोग मचा रहे, लोग जो लोग इस धंधा में लगे हुए हैं और जिनके लोग इस धंधा में लगे हुए हैं वही लोग शराबबंदी के खिलाफ बिहार में माहौल बना रहे हैं। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने लागू किया है और शराबबंदी लागू रहेगा, ये संकल्प है। हाँ, जो धंधा करने वाले लोग हैं, गड़बड़ करने वाले हैं, पकड़ा रहे हैं, बहुत जगह पकड़ाए हैं, सिवान में भी देखा है, को पकड़ा है, उन्हीं के चेला चपाटी है, साथ में फोटो खिंचवाते थे, वो पकड़ा गया शराब के धंधा में। तो धंधेबाज लोगों के साथ रहिएगा और शराब की वकालत करिएगा तो पकड़ाएंगे। नीतीश कुमार जी के राज में न किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है, लेकिन जो गड़बड़ करेंगे वो पकड़ाए। अब अभी बात कर रही थी नेहा राठौर जी कि जो चौक चौराहे पर फूहड़ गाना बजता है उसको प्रतिबंध लगना चाहिए। नेहा राठौर जी, आपको मालूम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दो दो पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि इस तरह के जितने सोशल मीडिया और जिस तरह के जितने भी चैनल्स हैं उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो अश्लीलता फैलाकर और जो हमारे आने वाले नौजवान का जो भविष्य है उसको खराब कर, ये और कुछ नहीं है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब काम तो नीतीश कुमार जी ने बिहार को बीमारू राज्य से एक स्वस्थ राज्य में बना दिया। अब अभी क्या कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार में 25 ऐसे जिले हैं जहां जैविक खेती के लिए प्रति एकड़ किसानों को 11,500 रुपए दिया जाएगा प्रति एकड़। और जब तक किसानों का और कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो क्यों बिहार का जो आज विकास दर है वो कई वर्षों से 10-11% के बीच है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसका विकास दर ये आज इस दौर में भी, लेकिन बिहार का विकास दर है और किसके भरोसे, किसके भरोसे? किसानों के भरोसे। किसान के जो कैश पैदावार होता है उसके भरोसे किसान मेहनत करते हैं। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने कृषि रोड मैप बना के 5-5 साल का और किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया, किसानों को सहायता देने का काम किया। कौन सा ऐसा राज्य है इस देश में जहां कृषि के लिए बिजली का उपयोग अगर किया जाएगा तो उसका किराया जो है 60 पैसा प्रति यूनिट लगेगा? हम उसमें बिहार सरकार के मंत्री थे, मंत्रिपरिषद में कोई बात पर चर्चा हो रही, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई, बिजली विभाग से पूछा कि भाई आप लोग किसानों के लिए जो खेती के लिए जो सिंचाई के लिए जो किसान बिजली उपयोग करते हैं कितना भाड़ा लेते हैं? उन्होंने कहा कि जो घर में बिजली जलाता है जो भाड़ा है वही भाड़ा। उन्होंने कहा कि अगर आप 4.5 रुपया या 4.75 रुपया प्रति यूनिट लीजिएगा तो किसानों का क्या होगा उत्पादन मूल्य, और उत्पादन मूल्य अगर बढ़ेगा तो कृषि का जो धंधा है वो लाभकारी होगा कि घटेगा? और पहले उन्होंने 75 पैसा किया, आप सुनते हैं कि 60 पैसा उन्होंने प्रति यूनिट कर दिया। और इसी के बल पर बिहार को लगातार 3-3 साल तक कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, धान में मक्का में गेहूं उत्पादन बढ़ा।